गाइस, तो आज हम जा रहे हैं सहारनपुर में जो एक फेमस मेला है उसे बोलते हैं गुग्गा पीर जी का मेला। और अभी वहाँ का ये ब्लॉग बनने जा रहा है और वहाँ पे आपको जाके दिखाएंगे कि किस तरह से वहाँ सारा अरेंजमेंट और क्या कुछ होता है। यस, तो अभी हम जा रहे हैं जाहरवी गुग्गा पीर जी की माड़ी पे सहारनपुर, और वहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। तो अभी वहीं जाएंगे और आपको दिखाएंगे पूरे के पूरे मेले और माड़ी का पूरा प्रोग्राम। तो अभी चलते हैं। जय हो जाहरवी जय गुग्गा बाबा पीर जी। जी, जय हो बापे जी। तो हम पहुंच चुके हैं सहारनपुर और ये अपनी बैड एस बाइक्स, और ये मेरी मतलब फर्स्ट राइड थी इतनी बड़ी अपनी बाइक पे, स्क्रैम्बलर पे। और भाई साहब क्या दौड़ी है ये यार। मतलब मैं इसको टॉप लेके गया, अभी 133 तक गया ये। तो वैसे स्पीड का कुछ ऐसा नहीं है कि मैं दिखा, मतलब कि हमें प्राउड होना चाहिए कि है ना कि आप दौड़ा रहे हो वो सब। भाई हमेशा सेफ चलो, वो सब कोई चीज़ नहीं है। बट ये था कि मेरे को अपनी बाइक की परफॉर्मेंस चेक करनी थी, टॉप स्पीड चेक करनी थी। तो इस चक्कर में हाईवे खुला था और सेफ्टी गियर्स आप देख सकते हो फुल पावर, तो इसलिए मैंने दौड़ाई। और क्या मज़ा आया यार क्रूजिंग करने में भाई साहब, मतलब अल्टीमेट एक्सपीरियंस था, अल्टीमेट। जहाँ पावर मांगी ना वहाँ पावर मिली, और इतना सही था ना। तो अभी जाएंगे हम मेले की तरफ, और अभी मामा जी और के साथ जाएंगे। तो यहाँ हमारे मामा जी भी रहते हैं, तो उनके साथ जाएंगे हम फिर मेले में। और तो चलते हैं फटाफट, आपको दिखाते हैं मेले का व्यू। जय हो जाहरवीर का गुग्गा पीर जी। तो प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं जाहरवीर का गुग्गा का मेला, तो सहारनपुर स्थित माड़ी पर लगता है। और ये हर साल भाद्रपद महीने की दशमी तिथि को शुरुआत होती है इस मेले की। ये मेला ऐतिहासिक है और काफ़ी प्राचीन समय से ये लगता आ रहा है। इस मेले में मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के कोने कोने से पर। दोस्तों अभी हम आ रखे हैं गुग्गा माड़ी पर, जो कि सहारनपुर में स्थित है, और यहाँ पे मेला बहुत ही बड़ा लगता है जाहरवीर गुग्गा पीर जी का। तो अभी हम आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी कितनी ज्यादा वो छड़ियाँ चली हुई है, निशान बोलते हैं इसको। तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे सभी छड़ी चढ़ाते हैं। तो भैया ये छड़ी चढ़ाने का मतलब क्या है कि लाइक आपकी मनोकामना पूरी हुई है भगवान की प्रसाद के साथ साथ ये छड़ी? हाँ हाँ हाँ
तो ये देख सकते हैं आप सभी, यहाँ पे सभी छड़ी चढ़ाते हैं, भाई ने भी छड़ी ले हेलो काफी सारी चिड़िया बहुत ज्यादा चढ़ा रखी है। ये शायद मेरे ख्याल से कम नहीं 10-15 हजार या 20 हजार चिड़िया होंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि भाई साहब ने बोला, यहाँ से इस स्थान की श्रद्धा का पता चलता है कि लोग कितनी श्रद्धा रखते हैं इस स्थान में। और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, इतनी सारी चिड़िया। और अभी बजे हैं सुबह के 10, तो अभी श्रद्धालु स्टार्ट हो चुके हैं आना। और कल रात ही हमने देखा यहाँ पे लाइक बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, रात को 10-11 बजे तक भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। दोस्तों हम भी चढ़ा लेते हैं अपना निशान। निशान और एक फूल भी है हमारे पास। नितिन तू करियो पकड़ियो अगरबत्ती ना भी लगा दे। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी ये जो गुगाल का मेला है यहाँ पे, शायद ये तीसरा या चौथा दिन है जब हम यहाँ पे माथा टेकने आए हैं। और यहाँ पे 24 घंटे भीड़ लगी रहती है भक्तों की। आप देख सकते हैं अभी भी भीड़ है काफ़ी, और लोग आ रहे हैं माथा टेकने के लिए। काफ़ी प्रसिद्ध स्थान है ये सहारनपुर में, और ये बहुत ही फेमस है गुगाल मेला। बहुत बड़ी माड़ी यहाँ पे सहारनपुर में, और पूरी माड़ी में अलग अलग जगह
जहारवीर गोगा पीर जी की स्थान बना रखे हैं, मूर्तियाँ स्थापित है। तो बिजली के तारा साइड में नहीं होगा, चलो थोड़ा जहो बाबे की आदि ने जय की। चौहान आए थे, जहारवीर गोगा पीर जी आए थे, उस दौरान आए थे गोगा जहारवीर जी, जिस दौरान इनके परिवार में झगड़ा हुआ। अच्छा, परिवार में झगड़ा हुआ तब आए थे? हाँ, जैसे कि इनमें उर्जन सुरजन में लड़ाई हुई थी, गोगे में उर्जन सुरजन में, ठीक है, बंटवारे के ऊपर। ठीक है जी, गोगा जी कहते थे भाई बंटवारा मत करो। अच्छा जी, मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए, मगर सबको तुम ही रख लो, मगर बंटवारा मत करो। ठीक है, वो मानने नहीं, वो तो किच्चे से उंगली लगे थे उनके। अच्छा, बंटवारा कर ले बंटवारा कर ले, वो मानने नहीं, तो झगड़े तैयार हो गए। अब गोगे को तो ये पसंद नहीं है। ठीक है, अब गोगे ने तो बस अपना काम कर दिया, गर्दन उड़ा देगी। अच्छा, तो जहारवीर गोगा पीर जी ने उर्जन सुरजन की गर्दन उड़ा दी थी बंटवारे के ऊपर, कि वो बंटवारा करना चाहते थे और गोगा जी कह रहे थे कि मत करो। अच्छा भाई, बंटवारा मत करो, तुम मेरे भाई हो, सब कुछ तुम्हारा ही है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, राजपाट भी नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, इसी दौरान उनके घर पे झगड़ा हुआ, युद्ध हुआ वहाँ पे, और भी शामिल हो गए, उनकी हजमी कट गई। उसी दौरान उनके फूल गोगा जी हरिद्वार चलाने जा रहे थे। अच्छा, उस दौरान ये जगह उन्हें पसंद आ गई है, गोगा जी उधर जोड़ था। अच्छा, अभी निशान नहीं है अभी जोड़ की। अच्छा, ये बाकी सारा जोड़ थे। अच्छा, ये माटी भी है, जोड़ भी है। अच्छा जी, यहाँ तो बबूल खुलते थे, बड़े बड़े बबूल। अच्छा, पानी। अच्छा जी, अब तो बहुत कुछ हो गया, सुधार हो गया, यहाँ तो हाथी भी डरे थे लोग। अच्छा, हाँ, 4 बजे भाग जाता था। अच्छा, अब जो 15-20 साल से लोग बाग पब्लिक आने लगी, आने लगी किस लिए, भाई मंदिर हो या दुकान हो, वहाँ आम लोग हो गए, बैठोगे उठोगे तभी तो पब्लिक जुड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस दौरान से मैं रेगुलर आने लगा यहाँ पे। अच्छा, जैसे मैं रेगुलर आने लगा, पब्लिक जुड़ती चली गई। अच्छा, आज इतनी पब्लिक जुड़ेगी, रोज आते हैं, रोज संडे यहाँ भंडारा होता है। सही बात है। तो यहाँ पे गोगा जी उस टाइम आए थे जब वो अपने भाइयों के फूल। हाँ जी, हाँ जी, कम से कम 800 साल पुराना इतिहास है। 800 साल पुराना। अच्छा, एक मैंने कहानी ये भी सुनी थी कि यहाँ पे जब वो रुके थे तो कह रहे थे कुछ लोग यहाँ पे मछली पकड़ रहे। हाँ, वो एक कबली भगत हो गए। कमली भगत? कबली भगत। अच्छा, तो वो क्या कमली भगत मछली पकड़ रहे। ठीक है जी, तो कबली भगत मछली पकड़ते, एक और था उनके साथ में, दो दो मछली पकड़ते हुए। तो गोगा जी को तो ये चीज पसंद नहीं आती। हाँ जी, उन्होंने कहा उनके पास ही आगे, अरे ये क्या कर रहे हो, उन्हें तो पता नहीं गोगा जी चौहान है। अच्छा, प्रकट भगवान है तो। हाँ जी, तो मैं बता देता हूँ कि पंडित जी बता रहे हैं कि जब गोगा जी यहाँ पे रुके थे तो जोड़ में से कमली भगत और उनके साथ एक और आदमी थे, वो मछली पकड़ रहे। मछली पकड़ रहे, तो गोगा जी ने उस चीज का विरोध किया, बोला आप ये क्यों कर रहे हो। हाँ, उन्होंने विरोध किया, ये लो हमारा निशान, मतलब त्रिशूल भला था उनका। ठीक है, सुनने का दर दर मांगते फिरो, मेरा प्रचार करो, और उन्होंने ऐसा ही करा। कुछ लोग तो समाज में अच्छे भी हैं, कुछ मजाक के तौर पे उसका विरोध भी करते हैं, मजाक करते हैं। हाँ जी, इनकी ठीक कर रहे हैं जी। समाज में हर तरह का आदमी रहता है। हाँ जी,
जैसे जिसने मजाक उड़ाए, जिसने भिक्षा दिए बोलते ठीक है, जिसने मजाक उड़ाई वो खाड़े फोड़े मतलब घर में खड़मली मच गए। अच्छा, जैसे खड़मली मची और वो तो गोगा जी को बताया, उन्हें गोगा जी ने कहा था जब भी कोई दिक्कत हो मेरे को याद कर लेना, प्रकट हो जाऊंगा। वो तो वही बात हुई, कुछ लोगों ने मजाक उड़ाई और वे उन्होंने कहा गोगा जी तो मेरे बस का नहीं, तो मजाक उड़ाते हैं लोग, उनको जाओ कल फिर जाना। जैसे उन्होंने मजाक उड़ाई, अच्छा वो उनके पैरों में पड़े, मजाक उड़ा दे। अच्छा, हमारे से गलती हो गई, ये होगा ये होगा। हाँ जी, हम तो बहुत परेशान है, उनको जाओ आज से गोगा चौहान की जात बोल दो, तुम्हारे घर में सांप भी निकलने का, कोई परेशानी हो तो जात बोल दो, कोई परेशान नहीं होगी। मगर जो जात बोल दी वो देनी पड़ेगी, ठीक है जी, देनी पड़ेगी। ये गोगा जी ऐसे हैं, घर में मरे पड़े हैं तो तब भी देगा, ये सुतक उत्तक कुछ नहीं मानता है, वो सिर्फ सुतक मानते हैं गोरखनाथ जी। पहले गुरु का मतलब होता है पहले इनका मत्था टेको फिर झारवी जी को टेको, पहले भोग गोरखनाथ जी के लगाओ फिर झारवी के लगाओ, फिर मानता होगी इस प्रसाद की, नहीं तो रोज आओ जाओ इस प्रसाद की कोई मानता नहीं। पहले गोरखनाथ जी पे, पहले गोरखनाथ जी, पहले गोरखनाथ जी झारवी जी कहते, पहले मेरे गुरु को मान लो फिर मेरे पास आओ। तो जो अभी आप भगत जी की कहानी सुना रहे थे वो आगे क्या हुआ फिर उनके साथ? उनके जाजी कबली भगत जी के, हाँ जी कबली भगत तो प्रचार करते फिर अब जा। अच्छा, और वही काम आज हो रहा है, कम से 500 नेजे बागड़ में यूपी में से जाते हैं, नेते एक ही महाराज का नेजा था जो अकेला जाके सलामी देता था गोरखगद्दी पे जाके, और वहाँ से जैसे वहाँ से वापसी आते थे फिर मेरा शुरू हो जाता था वहाँ पे। हाँ जी, अच्छा ही वहाँ रक्षाबंधन को मेरा शुरू हो जाता है, रक्षाबंधन को हमारा नेजा उधर से लौट के आ जाता है, 5-7-10 दिन के अंदर यहाँ रहते हैं, फिर यहाँ का प्रचार शुरू हो जाता है, दर बदर घर घर बसेरे छड़े उड़ाते हैं, घर में भूती हैं, हर घर में भंडारे होते हैं, प्रचार हो रहे हर गांव में, आज एक छड़ी है आज एक माड़ी है, ये प्रचार ही तो है। बिल्कुल, आज इतना प्रचार है वो घर चौहान जी का घर में बहुत ज्यादा। तो एक कलयुग के देवता है, हाँ जी, हाँ जी, जो कह दिया छोड़ते नहीं, मगर दयालु बहुत हैं। हाँ जी, जो जो चढ़ जाता है ना मन बड़ा पार कर देते हैं। जय हो गोरखनाथ जी, जय हो जादू गोपति जी। सरसावा के पास इनका नानका है, इनकी नाना नानी रहती थी यहाँ पे, हाँ जो सत्संग पटन पलटा हुआ है, आपने कभी देखा हो सुना भी होगा गोगा जी के, हाँ इनकी नानी का अन्ना जी रहते थे वहाँ, वो पलटा हुआ है, वहाँ एक राजा होते थे, जिंदगी मेरे को नॉलेज है वो बता देता हूँ, वहाँ एक राजा रहते थे, जो राजा रहते थे वो पहले किसी की शादी होती थी वो पहले अपने दरबार में बुलाता था, एक शक्ति सवत्री ऐसी मिल गई, उसने कहा बने की लड़की दियो, यहाँ कोई जो मर्द नहीं है जो मुझे बचा सके, यहाँ कोई मर्द नहीं है समाज में गांव में जो मुझे बचा सके, इज्जत से किसी ने नहीं बचाया, तो वो फिर शराब देगी थी इस गांव में किसी की भी बच्चा नहीं होगा, बांझी रहेंगे। अच्छा, जब ये वरदान हो गया है, ये वरदान गोरखनाथ जी ने पूरा करा था बागड़ आगे। अच्छा, 12 साल श्री के गोगा जी ने माँ ने पूजा करी, 2 बिलान गोबर पात लपेट के उसमें दीवा जला के बैठ जाती थी, 12 साल उनकी तपस्या करी है, और 12 साल में उनको फल भी मिला है, अच्छी बात नहीं गोगा चौहान जी का, उसके छल कपड़ में 2 बच्चों को वरदान उसकी बहन ने दिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और वही छल कपड़ वो आगे आ गया। हाँ जी,
वो तो जैसे लिख दिया था वो तो होना था। बिल्कुल बिल्कुल है जी, हरा भरा उनका बाग हो गया, 9 लाखा बाग। जैसे 9 लाखा बाग था, उनकी बांदी आई, माता हमारे बाग में कोई आया है, और आए महाराज, और वो हरा भरा बाग हो गया है हमारा। वो तो कहती है, ओहो लगता है हमारे गोरखनाथ जी आ गए हैं। जाके देखा, वो तो उसकी बहन सुन रही थी, वो सुन रही थी उसकी बहन। हाँ जी, जो उसकी बहन सुन रही थी उससे पहले चली गई, वो तो अपना बना वरदान अपना पूरा कर रही हो तो। और उसे तो कहता था गोरखनाथ जी को छल के पट्टे में उसे वरदान मांग रही है, चलो सब दे दिया। गोरखनाथ जी चल दिए वहाँ से, गोगा जी की माँ गई पीछे पीछे, महाराज को हमें तो जो वरदान देना था वो तो दो, उनको बेटा हम तो दे चुके, वो रुकी नहीं, वो पीछे पीछे जाती रही। खैर एक दिन का बैठ गई है, गोरखनाथ जी ने सुनी उनकी, उनको उनको भी दिया वरदान एक बेटे का, वो गोगा जी का जाना। ठीक है पंडित जी, ठीक। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं जहाँ पे यहाँ पे माड़ी का तो जो पंडित जी ने जो भंडारा जहाँ पे बनता है, हाँ। आपको वो एरिया दिखाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे होता है काफी बड़ी माड़ी है, यहाँ पे एरिया बहुत ही अच्छा है। धर्मेंद्र सिंह भगत जी आएंगे, गढ़वाले जी दोस्तों मोहरा जी।